प्रातः क्लास चल रहा था 9 जनवरी 1968 मंगलवार को 8वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। ग्रहचारी कभी उतरती है कभी चढ़ती है। एक्चुअली बाबा बहुत सहज करके बताते हैं, उस सीढ़ी पर जाकर के समझाओ। अब तो हम बाबा को याद करने से सीढ़ी चढ़ जाएंगे। और ये लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। देखो वो ऊपर में बैठा हुआ है ना। कौन बैठा हुआ है? है तो वो बैठ करके सीढ़ी के ऊपर अपन को बतलाया बहुत अच्छी तरह से। और बतला देंगे तो बहुत बड़ी खुशी का पारा चढ़ेगा। परंतु जिसकी तकदीर में नहीं आएगा वो श्रीमत पर चले ही नहीं सकेगा। तो भाई वेरी वंडर है ना माया का। तो बाबा इनको रास्ता बताते हैं, है? माया उनका रास्ता कट कर देती है। तो बातें तो बहुत सहज है ना। किनको रास्ता बताते हैं बाबा? दुनिया वाले धर्म पिताओं को बताते हैं कि धर्म पिताओं की आधार मूर्त आत्मा है जो सतयुग में नारायण बनती है या त्रेता में राम बनती है उनको बताए रहे हैं, या उनों की बीज रूप आत्मा है उनको बताए रहे हैं। बाबा किसको बताए रहे हैं? तो बाबा तो बताते हैं लेकिन माया उनका रास्ता, माया पीछे पड़ी हुई है, रास्ता कट कर दे। तो कौन सा रास्ता कट कर देती है? जो संकल्प बाबा की ओर चलने चाहिए अभ्यभिचारी रूप में तो वो नहीं चल पाते हैं, माया अपनी तरफ खींच लेती है। बाप समझाते हैं कि बच्ची बातें तो बहुत सहज, बिल्कुल ही सहज बातें हैं। बाबा भाई ये बच्चियां भी बहुत बताते हैं, परंतु जिनकी तकदीर में ही नहीं है वो बैठते ही नहीं है। और बाबा यहां से अंदर आते हैं। तो ये तो हम सारा दिन याद करें ना, तो सोचते हाँ कल ये हम बनेंगे। तो तुम लोग भी ऐसे कहते हो ना, हाँ आज नहीं बनेंगे कल बनेंगे। हाँ 9 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। तो तुम कोई कम थोड़े ही कहते हो, है? क्या आज नहीं तो कल बनेंगे।
अब यहां बैठे रहते हो, पूछा जाए भाई कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा, किस नंबर का बनेगा, तो हाथ तो सब उठाई देते हो। अरे भाई लक्ष्मी नारायण ही बनेगा या राम सीता भी बनेगा, बाबा तो बता ही दिया है। तो लक्ष्मी नारायण जैसा नंबर के बनते हैं वो फिर राम सीता भी उसी नंबर के बनते हैं, और उनके जो बीज रूप बाप हैं वो भी तो उसी नंबर में बाप बनेंगे ना, के नंबर बदल जाएगा। तो ये सीढ़ियां हैं 84 जन्मों की, इन पे तुम समझा सकते हो है कि भाई अपन ही सीढ़ी देख लो है। तो ऐसे ऐसे कर देते, तो ओ बात बुद्धि में बैठेगी तो खुशी भी रहनी चाहिए ना, कि हाँ भाई ये भी करें आकर के अच्छा, तो भी तो ऊंच तो बन सकते हैं ना। वो पाप कट जाएगा अगर वो याद ही नहीं है तो पीछे क्या बनेंगे, क्या याद नहीं है, है? अपनी आत्मा का जो पद है माला में क्या नंबर है वो बुद्धि में आएगा ही नहीं, याद ही नहीं आएगा तो पीछे क्या बनेंगे। तो बाबा ये युक्ति बताते हैं क्या, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते हैं। तो अब ये रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है ना, तो आत्मा को रियलाइज करना चाहिए है कि हम क्या बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं। जिनको समझाएंगे वो भी तो आत्मा ही है ना, तो बाप ने तो पाप कटने की युक्ति बताई दी कि अपने पद का रियलाइजेशन करो कि मैं कौन आत्मा हूं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है मेरा ऊंच ते ऊंच पार्ट क्या है। तो लक्ष्य बुद्धि में आवेगा है? वो सीट मिलेगी तो सेट हो जाएंगे है? और सीट ही नहीं मिलती, बुद्धि में बात आती ही नहीं, तो फिर सेट कैसे हो जाएंगे। तो बाबा तो बाबा बाबा मुख से तो करती जाए ना आत्मा, तो तुम बाबा बाबा करते करते अंदर से हिर जावेंगे, तो फिर अंदर में तुमको याद आएगा क्या, बाबा ये हमारा बाबा और ये हमारा वर्षा है? क्या वर्षा, बुद्धि में बैठेगा कि ये बाबा और बाबा वर्षा हमें कौन सा देते हैं, ये बुद्धि में आ गया कि ये हमारा वर्षा। तो बार बार बुद्धि में आवे ये बाबा और ये वर्षा, परंतु ये भक्ति में क्यों, ये चित्रों के आगे जाकर के क्यों बैठ जाते हैं तपस्या करने के लिए है, चित्र तो जड़ है ना, तो कोई तो चित्र रखते हैं है? और कोई तो सिर्फ माला फेरते हैं, माला माने बाप ने जो आकर के
श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बनाया, वो संगठन रूपी माला बुद्धि में फिरती रहती है। तो जब ये बात बुद्धि में बैठ जाए कि माला रूपी संगठन में मेरा मणका कौन सा है, किस ग्रुप का है, तो फिर कोई भी जड़ चित्रों के सामने बैठने की दरकार है ही नहीं। फिर किसको तो जरूर बैठने का है ना, कि सब एक जैसे हो जाएंगे, नहीं तो वो फिर उनको टेव पड़ जाती है। क्या जड़ चित्रों के सामने बैठते रहेंगे तो जड़ चित्रों की टेव पड़ जाएगी, और चैतन्य चित्रों को समझ जाएंगे तो वो भी टेव पड़ेगी। तो बुद्धि में जैसे आता है लक्ष्मी बनना है, तो बुद्धि को लक्ष्य मिल गया ना कि हमें ये नंबर की लक्ष्मी बनना है, तो चलो यहां बैठ जाओ। तो पक्का 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 बैठ जाएंगे तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा। पक्का पक्का का मतलब अपने लक्ष्य का निश्चय बुद्धि पूर्वक बुद्धि में सेटिंग हो जाएगी तो कहेंगे पक्का पक्का, तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा। तो गायन तो है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियों से क्यों पूछो, हाँ गुप्त पुरुषार्थी है ना, उनसे पूछो जिनको ये निश्चय है कि हम तो अपना बाबा से बरसा लेंगे, कि जब हम बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और ये बाबा हमको मालिक बनाते हैं, तो जिस नंबर का पुरुषार्थ करेंगे उसी नंबर के फिर हम कौन सा पुरुषार्थ, ज्ञान और योग का पुरुषार्थ है ना, राजयोग है ना, तो हम अपना वर्षा पा लेंगे। अपना वर्षा मन जो बुद्धि में सेटिंग हुई वो वर्षा पा लेंगे। अब बाबा तो स्वर्ग तो स्थापन करते ही हैं और बाबा ये मालिक बनाते हैं, क्या मालिक है? ये कहा तो ये लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया है, ये तो अव्वल नंबर के मालिक, कौन सी युग में है? हाँ बताओ कौन सी युग में, एक अक्षर लिख दो है? हाँ सा लिखते लिखते छोड़ दिया, पुरुषोत्तम संगम युग है। हाँ सबसे ऊंचे ऊंची युग तो पुरुषोत्तम संगम युग है ना, तो हीरे समान लक्ष्य अगर बुद्धि में बैठा है तो फिर यही बनेंगे। क्या कि हमको भाई हीरो हीरोइन वाला लक्ष्मी नारायण बनना है। तो बाबा कहते हैं ये गुप्त पुरुषार्थ की बात है, तुम्हारा दान मान पद सर्विस सब गुप्त। तो ये बात अतीन्द्रिय सुख की इन गोप गोपियों से पूछो जिनको ये निश्चय है कि हम तो अपना बाबा से वर्षा लेंगे, और जब हम वर्षा लेंगे तो बाबा हमको ये मालिक बनाते हैं। अब बुद्धि में सेटिंग हो गई ये कौन से नंबर का मालिक बनाते हैं, संगम युग में ये मालिक बनाते हैं, फिर सतयुग में वहां भी तो नारायण होंगे ना, आठ नारायण होते हैं कि नहीं, बाबा ने बता ही दिया, तो वहां भी पहले जन्म में जो नारायण बनेगा वो मालिक होगा कि नहीं है, हा वो भी मालिक होगा। फिर दूसरे नंबर का दूसरे जन्म में वो फिर अपने जन्म में मालिक बनेगा कि नहीं,
ये बाबा मालिक बनाते हैं तो ये बुद्धि में है ना, क्या कि भाई हमारा माला में ये नंबर है। जब जिनको सत्युग में नारायण बनना होगा तो उनकी बुद्धि में ये बैठेगा है? और फिर द्वापर युग से वही नारायण जाकर के सप्तऋषि बनते हैं तो उनकी बुद्धि में वही बैठेगा कि हम ये नंबर के सप्तऋषि है। हा? और फिर उनको ये भी बुद्धि में बैठेगा कि हाँ कि हम इस धर्म पिता के आधारभूत बनेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ऊंचे से ऊंचे पद कौन सा है, धर्म पिता बनने का ऊंचे से ऊंचे पद है या धर्म पिता जिस आधारभूत नारायण में प्रवेश करते हैं वो ऊंचे पद है, है? सप्तऋषियों में कहो है, या उन सप्तऋषियों का भी नारायण बनने वालों का भी जो बाप बनता है बीज रूप है, जिनको शास्त्रों में कहते हैं पितर। किसके किसके पितर? देवताओं के भी पितर, तो ऋषि मुनियों के भी पितर, पितर माने माता पिता है। और फिर धर्म पिताओं के भी पितर हैं या नहीं? हाँ, उनके भी पितर। तो पितर का दर्जा कोई नीचे हुआ क्या, देवताओं से नीच हुआ? नहीं, देव आत्माएं भी तो पितरों की वो पूजती है ना। फिर द्वापर युग से तो बताया ये बुद्धि में बैठना चाहिए कि बाबा स्वर्ग स्थापन करने वाले हैं। अब स्वर्ग तो वो त्रेता युग को भी स्वर्ग कहेंगे है, फिर उससे ऊंचा सतयुग को भी स्वर्ग कहेंगे, फिर उससे ऊंचा पुरुषोत्तम संगम युग में भी स्वर्ग है या नहीं, विष्णु का राज्य होगा या नहीं होगा, वो है वैकुंठ का सुख। तो बाबा स्वर्ग का ये मालिक है, ये बनने वाला है, निमित्त बना हुआ है। कौन किसकी तरफ इशारा किया? ये मालिक है, है? अरे ब्रह्मा बाबा था ना सामने, तो स्वर्ग का मालिक है कि नहीं है? जितने भी नारायण बनेंगे आठ पीढ़ियों में, आठ जन्मों में, सतयुग में, सबसे ऊंचा बनेगा कि नहीं है? तो ये निमित्त बना हुआ, हम देखते हैं कि बरोबर ये चित्र की युक्ति से ऐसे बना हुआ है। तो कौन सा चित्र इनकी बुद्धि में बैठा, चैतन्य चित्र बैठा या जड़ चित्र बैठा? शास्त्रों में जो जड़ चित्र है और जिसके लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए हैं तो वो तो शास्त्रों में किसको समझते हैं है? सतयुग में कृष्ण वाली आत्मा है ना, पहला पहला प्रिंस, पहला बच्चा। कहते हैं संसार सागर में पहले पहले कौन आया? ये कृष्ण आया। अब कृष्ण बड़ा होगा तो नारायण बनता है। तो ये चित्र की युक्ति ऐसी है कि इनकी बुद्धि में वो जड़ चित्र ही आता है, है? कि चैतन्य चित्र आता है कि अब्बल नंबर नारायण कौन है, है? संगम की कृष्ण इनकी बुद्धि में आता है या सतयुग का कृष्ण आता है? कलाबद्ध, सोलह कला संपूर्ण, इनकी बुद्धि में कौन आता है, है? सतयुग का कलाबद्ध, सोलह कला संपूर्ण, उसी के चित्र देखें। तो इनको तो ये बुद्धि में पक्का हो गया। विष्णु और ब्रह्मा का क्या ताल्लुक है? इनको क्यों रखा है? ये किसको मालूम होगा? बस सिर्फ ये गाना होता है,
तीन मूर्तियों का, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, विष्णु के द्वारा पालन। तो बस ये बुद्धि में बैठा है इनके, क्या कि मैं ब्रह्मा हूं और ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करने वाला मैं हूं। तो यहां संगम युग में जो स्थापना करता है वो फिर है? क्या बनता है, किसकी स्थापना? ब्रह्मा के द्वारा किसकी स्थापना है? ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्म की स्थापना, ब्राह्मण धर्म की स्थापना। तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना, ब्राह्मण में तो नौकरियों के ब्राह्मण है, तो ये इनकी बुद्धि में बैठता है? नहीं बैठता। बाकी गाय लेते हैं, गाना है बुद्धि में पड़ा हुआ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु से पालना। तो ये बहुत करके बहुत जल्दी समझते हैं, है? परंतु जब वो ब्रह्मा को देखते हैं ना, कि ये इनका ब्रह्मा है, तो फिर तबाही हो जाती। क्योंकि वो समझते हैं, अरे ये तो मनुष्य है, ये देवता कैसे? तो मनुष्य देवता कैसे बनते हैं, ये बात वगैरह तो उनकी बुद्धि में आती ही नहीं है बेचारों के, कुछ भी नहीं आता। और फिर समझने में टाइम भी लगता है, ये स्थापना में समझने में टाइम लगता है कि ये ब्राह्मण धर्म की स्थापना या देवताओं की स्थापना। और कर्मातीत अवस्था में भी तो जाने में टाइम लगता है, कि कर्म इंद्रियों से कर्म करें और कर्म से अतीत अवस्था में पहुंच जावे, और कर्म इंद्रियां ही छूट जाए तो कहेंगे कर्मातीत नहीं। तो तुम देखते हो, अपने दिल से पूछो तो कितनी दफा भूल जाते हो, तो भूल जाते हैं ना बच्ची, कि हमको मालिक बनाने वाला कौन है? है? अच्छा भूल जाते हैं तो टेव पड़ी हुई है भूल जाने की। भाई कोई भी चित्र को भूल जाते हैं, जिस चित्र के आगे बैठते हैं, और तो जा करके सुबह को बैठ जाते हैं, आधा घंटा तपस्या करते हैं, या कोई नहीं करते। तो देखो ऐसे बहुत होते हैं ना, ये नवदा भक्ति वाले जा करके चित्र के आगे बैठ जाते हैं। वो भक्ति मार्ग में तो नवदा भक्ति है, नौ प्रकार की, धा माने प्रकार, नौ प्रकार की भक्ति है। और यहां पुरुषोत्तम संगम युग में क्या है, है? यहां नवदा भक्ति के नवदा ज्ञान है। ये नौ नारायण है ना, जो नौ नाथ के रूप में, जिनके बीज रूप बाप गाए जाते हैं, है? तो बताया यहां तो बात गहराई तक समझने की है, कि ज्ञान भी नवधा तो योग भी, योग भी नौ प्रकार का। तो चित्र के आगे बैठ जाते हैं, हमको दीदार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, तो हमको साक्षात्कार कराओ, है?
हमको दीदार दो। तो यहां कोई दीदार की तो बात नहीं है। दीदा जानते हो किसे कहते हैं? ये दीदा कहते हैं आंखों को। यहां इन आंखों से तो देखने की बात नहीं, ये तो बाप आकर के क्या करते हैं, त्रिनेत्री बनाते हैं है? तो तीसरे नेत्र से ही देखेंगे ना, बुद्धि का तीसरा नेत्र। तो ये तो बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखने वाले तुम एकदम बनते हो अब्बल नंबर के नारायण है कि नौ नारायणों में नंबर वार है? कैसे अब्बल नंबर नारायण माने जो सब नारायणों का बाप आदि नारायण, वो तो संगम युग में ही बनेगा। तो तुम एकदम नारायण बनते हो। फिर चित्र के आगे बनना बैठना चाहिए और याद करना चाहिए। अगर भूलते हैं तो और बच्चे भी हैं भूलने वाले, बाकी चित्र तो भला ये है। पर चित्र तो तुमको बैज बनाए के दिया हुआ है। क्या बैज में है? एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण। तो बाबा दृष्टांत देते हैं कि देखो हम जो पिछाड़ी में नारायण का पुजारी था, तो अभी पूज्य बन करके हूबहू फिर नारायण बनते हैं। क्या करते थे भक्ति मार्ग में? अरे बाबा का बहुत प्यार था उनमें। कौन से बाबा की बात हो रही है? कौन से बाबा की बात हो रही? बहुत प्यार था इनमें। ब्रह्मा बाबा की बात बताई कि भक्ति मार्ग में है इनके अंदर नारायण के लिए बहुत प्यार था। वो कापियां निकाल करके नारायण के चित्रों की सिर्फ क्या किया, इन्होंने लक्ष्मी को भी वहां से हटा लिया। भक्ति मार्ग में हटाया कि नहीं हटाया, इनकी बात है। ब्रह्मा बाबा की क्या किया, जो लक्ष्मी पांव दबाए रही थी चित्र में वो हटाई दिया। तो संस्कार पड़ गया कि नहीं? क्या तो अभी संगम युग में क्या कर रहे है? पांव दबाने वाली लक्ष्मी अब्बल नंबर नारायण के पांव दबाएगी बुद्ध रूपी पांव, या और नारायणों को दबाएगी? तो उसे लक्ष्मी को अलग कर लिया कि नहीं, प्रैक्टिकल में अलग किया कि नहीं? कैसे कैसे अलग कर दिया है? अरे ओम मंडली में साथ साथ थे कि नहीं? ओम मंडली की शूटिंग आदि की शूटिंग थी ना, आदि में साथ साथ थे, फिर बाद में क्या किया है? अलग कर दिया कि नहीं है? नहीं किया? हाँ अलग कर दिया। हाँ। तो देखो लक्ष्मी को भी खत्म कर दिया, चित्र से ही निकाल दिया। ये दासी ये दासी इसके ऊपर इतना जोर क्यों देती है लक्ष्मी पांव के ऊपर? अब जैसे वो तो बुद्धि में अज्ञान भरा हुआ था, क्या वो तो जो देह के पांव है ना, जड़ा पांव उनको जमाने की बात बुद्धि में बैठी हुई थी। ये तो बुद्धि में बैठा ही नहीं,
क्या ये बुद्ध रूपी पांव दबाने की बात है? पांव से कहीं पहुंचा जाता है ना? नहीं पहुंचते? हाँ पहुंचा जाता है, तो ये बुद्ध रूपी पांव भी है। कहते हैं ना, अरे तुम्हारी बुद्धि हमारे गुरुजी तक नहीं पहुंचेगी, तो बुद्ध रूपी पांव हुआ ना। अब ये सूक्ष्म पांव है, तो फिर उन्होंने ऐसा जड़ चित्र में से वो जड़लिक्षम ही वो निकाल के वहां अलग कर दिया है चित्र से, कि भाई ये दासी बन करके लक्ष्मी है टांग दबाने के ऊपर जोर क्यों दे रही है? तो जैसे वो तो बुद्धि में अज्ञान भरा हुआ था, परंतु वो अज्ञान कौन से जन्म की बात है? वो अज्ञान की जो शूटिंग भरी हुई थी वो कौन से जन्म की बात है? शूटिंग होगी कि नहीं रिहर्सल? पुरुषोत्तम संगम युग की बात है। ये पुरुषोत्तम संगम युग में इनकी बुद्धि में अज्ञान था क्या कि नर से नारायण बनने वाली बात इनकी बुद्धि में बैठती नहीं? बस इनकी बुद्धि में तो रट्टा लगा हुआ है, मैं कृष्ण बनूंगा। तो कृष्ण बनते हो या तुम नर से डायरेक्ट नारायण बनते हो? तुम क्या बनते हो? एकदम नर से नारायण बाबा के बनाते हैं। नरसी नारायण सिर्फ तुमों को बनाते हैं या सभी नारायण को बनाते हैं जो सतयुग में होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी है? सिर्फ एक को बनाते हैं है? तो ये इस जन्म की बात उनकी बुद्धि में ये बैठती ही नहीं क्या? तो ये दासी क्यों बनी बैठी है? ये क्या है? ये क्यों टांग दबाने के ऊपर इतनी जोर देती है? इसलिए भक्ति मार्ग में ये चित्र देख देख करके माइयों ने क्या किया है? माइयों ने अपने पति के पांव दबाने आरंभ कर दिए। और पति भी क्या करते हैं? अपनी स्त्रियों से टांग के ऊपर जोर दिलवाते, समझा ना? तो देखो अपनी पूजा करवाते हैं ना, क्या कह के? तुम्हारा परमेश्वर है, पति परमेश्वर है, दूसरा कोई तुम्हारा दुनिया में परमेश्वर अलग से कोई भगवान नहीं होता, तो पूजा करवाते हैं ना, घर घर में भगवान बन के बैठे हुए। तो बहुत भक्ति मार्ग में देखो शिक्षा कैसी देते हैं ये गुरु लोग शास्त्रों में, अभी भी ऐसे गुरु करते रहते हैं। तो इनका ये जो स्थूल पैर है ना वो उसकी बात है, समझते हैं बुद्धि में, तो समझते हैं कि ये पांव दबाने वाले थे ये तो शूद्र हैं, जो सेवा एवा करते रहते हैं कर्म इंद्रियों से तो क्या हुए? शूद्रों का काम क्या होता है? इंद्रियों से सेवा करना, तो ये तो शूद्र हैं। वैश्यों का काम क्या होता है? वैसे कर्म इंद्रियों से किसी की पूजा करते हैं, देहधारी की है? कहाँ पूजा करते हैं, वो तो खेती करते हैं, वैश्य लोग व्यापार करते हैं, गऊएं चराते हैं, क्या करते हैं? पूजा करते हैं किसी की, उनको फिर वैश्य कहा जाता है। और तीसरे उनसे भी ऊंचे क्षत्रिय, क्षत्रियों को क्या कहा जाता है? देखो त्रेता युग में देखो राम को छत्री दिखाया है ना, छत्र छाया के ऊपर नीचे बैठे हुए हैं कि नहीं गद्दी में है किसकी छत्र छाया की बात?
है शिव बाबा की छत्र छाया की बात है इस संगम युग में, तो वो फिर उन्होंने नाम क्षत्रिय दे दिया। क्या क्या करते हैं वो फिर छत्र छाया बन करके रहते हैं राज्य में, जो भी प्रजा है उनके ऊपर क्या करते हैं छत्र छाया, माने कोई भी उनके ऊपर आक्रमण करेगा विदेशी तो लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं है, फिर युद्ध करेंगे, या प्रजा वर्ग में कोई डकैत चोर वगैरह परेशान करेंगे तो डकैतों को पकड़ने के लिए पीछे युद्ध करेंगे कि नहीं, हाँ युद्ध करेंगे। तो ये तो फिर भी ऊंचा कर्म हुआ क्षत्रियों का, और उससे भी ऊंचा देवताएं जो 16 कला संपूर्ण दिखाए, तो देवताएं तो नहीं ये क्षत्रिय का काम करते हैं, तो पक्के ब्राह्मण बनते हैं, सो पक्के देवता है, 16 कला संपूर्ण देवता बनते हैं ना है? तो जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मणों का काम है क्या, क्या काम है याद करना, ज्ञान योग में रहना, ज्ञान सुनना ज्ञान सुनाना, याद में रहना और याद करना। कैसे करेंगे, पूरा दूसरों को बाप का परिचय देंगे है, खुद समझेंगे कि बाप का पार्ट ऊंचते ऊंच बाप का पार्ट कौन सा है किस तरह मुकर्रर रथ के द्वारा है, खुद समझेंगे तो दूसरों को भी बताएंगे। तो बस ये बुद्धि में आया, ये लक्ष्मी शूद्रों का काम क्यों कर रही है? तो लक्ष्मी को हटा दिया। तो देखो ये क्या है, ये पूजा इनकी करने की दरकार क्या है, ये बुद्धि में आ गया। तो ये शूटिंग यहां होती है, यहां भी ये ऐसा ज्ञान मार्ग में ऐसे ही करते हैं। कौन ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं है? अब ये तो बुद्धि में इनको है नहीं कि कौन सी लक्ष्मी की बात है। अब्बल नंबर जो आदि नारायणी है आदि लक्ष्मी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, वो तो बुद्ध रूपी पांव दबाती है कि कोई स्थूल पांव दबाती है, बुद्ध रूपी पांव दबाती है। ओम शांति।